ड्रग मेनेस जो इस वक्त एक चैलेंज है हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए चैलेंज है, इसलिए इस टॉपिक को चूज़ किया गया था ताकि हम इस प्रोग्राम के वसातत से एक मैसेज सोसाइटी में दें। मे बसा अच्छी अपर क्या बुजुर्ग थे बह कर कोशिश कशिर पे कह जोर वन क्या वक्त कम देखिए, ये जो आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक कंक्लूडिंग प्रोग्राम था और हमने आज के प्रोग्राम में एक डिबेट कंपटीशन रखवाया था और डिबेट कंपटीशन में हमने आजकल का एक मेनेस जो सोसाइटी में है ड्रग्स को लेके, उस पर एक डिबेट कंपटीशन रखवाया था जिसमें हमें एक तो कंपटीशन था और साथ में एक मैसेज सोसाइटी में देना था कि ये कितना बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज़ करवाया इस स्कूल में जो यहाँ एक क्रू में है, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इसको हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए, इसका फैमिली पे क्या असर पड़ता है और सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझना। हमारी नई जनरेशन को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हैं जो इस वक्त इसके शिकार बनते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी कामयाब फंक्शन रहा। तो आज इस दिन पे, बच्चों के दिन पे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस ड्रग की तरफ माइल होते जा रहे हैं? देखिए, मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि ये एक ऐसी लत है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए सोसाइटी की तरफ, हम जो आजकल की नई जनरेशन है उनकी तरफ से, कि हम कोशिश करें कि जो आजकल के बच्चे इन चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं वो इन चीज़ों में मुलविस ना हो, क्योंकि एक बार इसमें जब कोई मुलविस हो जाता है तो उसको उस लत से बाहर आने में बहुत बहुत मुश्किलात दरपेश होती हैं और उससे फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में भी बहुत बहुत ही नुकसानदेह असर।